हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबों का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। हर साल की बात है, इस साल भी हमारे शहर देवघर में पुस्तक मेला का आयोजन 12-13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच किया गया था। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में कई बड़े बड़े लेखक आए और उन्होंने सबको प्रेरित किया। और इसी बीच हमें भी झारखंड के मशहूर लेखक नीलोत्पल मृणाल जी से मिलने एवं सुनने का अवसर मिला। नीलोत्पल मृणाल जी दुमका जिला के रहने वाले हैं और इनके मशहूर पुस्तकों में से अघोड़, डार्क हॉर्स जैसे पुस्तकें शामिल है। अगर आप पढ़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने अपने यात्रा की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ की। घर से निकलते ही 2 किलोमीटर पद यात्रा करते ही पहुंच चुके थे लाइब्रेरी, जहां हमारे भाई मित्र आशीष पढ़ रहे थे। जब तक वो आते, पीछे मुड़ के देखा तो अम्बेडकर जी संविधान लेके जा रहे थे। बस आगे चल रहे, आप आशीष से पूछते हैं इसका लाइब्रेरी में एक्सपीरियंस कैसा रहा। आशीष क्या सारा एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हम। देखो देख, आज सुबह आया, ठीक है, तो मैंने टेस्ट लगाया सुबह, ठीक है, तो मैं अपना लक अपना रहा था क्योंकि जीके जीएस मेरा बहुत गड़बड़ है। बढ़िया, तो देखे कि कितना आता है। बढ़िया, सेट माना स्टार्ट किया, विश्वास नहीं करेगा सौरभ तुम, सेट का नंबर बताया तुमको? बताओ, -3 नंबर आया मेरा वाला भाई साहब। भाई मेरा अपने लक पर भरोसा उठ गया है। इसको अपने लक पे भरोसा उठ गया, भरोसे को इस पे भरोसा उठ गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना भाई। इसलिए फिर लगता है ये कन्विंस हो गया जल्दी, हाँ चल भाई चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इतने खराब मार्क्स के बाद तो कोई बैठ तो नहीं सकता है। फोटो खिंचाया, फिर ना मेरे से नाम पूछ रहा है कि भाई नाम क्या बता दे, भाई नाम बता दे वापस से। नहीं, नाम याद हुआ? नहीं याद नहीं हुआ। फिर से एक बार बता क्या नाम। नीलोत्पल मृणाल फाइनली ये बोल पाया है, और इससे पहले इसको पता था नहीं, लेकिन फोटो बराबर खिंचाया है, फिर बोलता है बाद में देख लेंगे क्या नाम। गाइस नाम है क्या बोला, नाम तो नहीं जो है ये है। नीलोत्पल सच कर रहा था, ठीक है, नाम तो ला रहा था मेरे वाले। मजा आया, कौन घोड़ा रेस जीतेगा, सब हम सबके छछन मजबूत घोड़ा और पैसा लगाता है रणजीत का पीछे, अमिताभ बच्चन टोपी पहन के बैंक में बैठा है और ने मरियल घोड़ा को दावा लगा दिया, पता चला मरियल घोड़ा रेस में जीत गया। उस मुहावरे को कहते हैं डार्क हॉर्स, जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया। हम में से हर युवा हर युवती किसी तरह के डार्क हॉर्स है, हम में से किसी ने क्या संभावना है। विवेकानंद की तस्वीर यहाँ पर है, विवेकानंद कहते थे कि हर बीज में एक विराट वृक्ष की संभावना है। एक दिन धरती किसने लिखी है सबकी कहानी, और किसने बनाया सेतु राजा, और जल में मछली को कौन तय कर रहा है। अरे कौन निचोड़े रेत से पानी, और किसने लिखी है सबकी कहानी, किसने बनाया सेतु राजा, और जल में मछली को रानी। अरे जिसके माथे चंद्र टिका है,
मुट्ठी भर रे और धान गेहूं सरसों वाले हर पीले थे रख लो एक बैल भैया हल से बांध के रख लो एक बैल भैया हल से बांध के दुअरे गाय खड़ी हो चारा खाओ किसान पूछेगा जो आप सोचिए आजकल आपका बच्चा जो है सर मोबाइल का पैटर्न खुल जाता तो आपको लगता है कि बाप ने भर के ले लियो पैदा हूँ चंद्रमा देखे तोरा चंद्रमा देखे